Good morning, student. Welcome you. In this topic, we are going to study about managerial response to change in business environment. देखिए managerial response क्या है, यदि changes हो रहा business environment में, आप किसी तरह का business कर रहे हैं, यदि वहाँ पर कुछ environment में change होता है तो managerial response कैसा आता है। देखिए on the whole of the impact, government policy change the particular in respect of liberalization, privatization एंड globalization has been positive। देखिए यहाँ पे ओवरऑल जो गवर्नमेंट पॉलिसी ने 1991 पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये तीनों पॉलिसी लागू किया गया है, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हालांकि जितना भी देखा जाता है पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, लेकिन यहाँ पे और देखें हम कि गवर्नमेंट बुक के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस हैं, क्या इन्वायरमेंट, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है मैनेजर, क्योंकि 1991 पॉलिसी से पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, लेकिन उसके बाद 1991 पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जिसे जानते हैं तो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, तो उससे क्या रिस्पॉन्स आता है। देखिए इकोनॉमी काफ़ी डेवलप हुआ वो हम देखें, लेकिन यहाँ पे मैनेजरियल, ठीक है, मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या है वो हम देखेंगे। फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन मीन्स द फर्स्ट रिस्पॉन्स सीन आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज द कंपनीज आर गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन। इसके बाद जो कंपनियाँ डाइवर्सिफिकेशन हो गई, डाइवर्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑन बिल said that with a new wave of economy change we will diversify our portfolio that will include solar energy, transportation and water business। देखिए यहाँ से diverse हो गई, पूरी तरह अलग अलग हो गई, और वो अपने जो portfolio है उससे पूरी तरह diverse हो गई, that will include solar energy, transport and water business, तीनों है यहाँ पे अलग हो गई। एंड इवन कंपनीज लाइक रिलायंस, वोल्टा, एलजी, सैमसंग आर डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज़ बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट इन देयर पोर्टफोलियो। अब ये भी डाइवर्सिफाई हो गई और इनको भी इनके जो पोर्टफोलियो इसमें और मोर प्रोडक्ट ऐड करना पड़े इनको। नेक्स्ट आता हमारा जॉइंट वेंचर, कोलाब्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। देखिए दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि कुछ यहाँ पे जॉइंट वेंचर सामने आए, कोलाब्रेशन आए, कंसोलिडेशन और मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज कम टू इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर, और बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में जॉइंट वेंचर के तौर पे सामने आई। फोर्ड इंटर्स विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए फोर्ड जो है महिंद्रा के साथ इंटर हुआ, जगुआर इंटर विद टाटा मोटर्स, होंडा इंटर विद सेल, जनरल मोटर विद हिंदुस्तान मोटर्स एंड वोडाफोन इज प्लानिंग टू मर्ज विद आइडिया ETC। तो बहुत सारी कंपनियाँ मर्ज हो रही एक दूसरे से, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ही रिजल्ट है। नेक्स्ट ब्रांड बिल्डिंग, ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द ब्रांड बिल्डिंग गुडविल एंड इमेज कंपनी हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। देखिए आज ब्रांड या गुडविल है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माना जाता है किसी भी कंपनी का प्रमोशन के लिए। नाउ कंपनीज आर स्पेंडिंग द ह्यूज अमाउंट ऑन वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज सच एज एडवर्टाइज, सेल, प्रमोशन, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी बहुत बड़ा अमाउंट पे करती है अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए, सच एज एडवर्टाइजमेंट, सेल, प्रमोशन, ETC, फॉर ब्रांडिंग बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग स्पेशली इन कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज सच एज सैमसंग, LG, सोनी, ETC। नेक्स्ट यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, देखिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आज कंज्यूमर कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वाले ही ज़्यादातर खरीदेंगे, तो देखिए यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम देखेंगे, टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपनी आर ट्राइंग टू गेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यदि कंपनी आगे जाना चाहती है तो वो सबसे पहले यही प्रयास करेगी कि वो नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका यूज़ करे फर्स्ट इन द प्रोडक्ट। एंड द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज इंक्रीज बाय ऑल द कंपनीज, चेंज इन टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंपनीज, स्पेशली कंपनीज इन IT, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन मैन्युफैक्चर, ETC। तो इनमें सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ताकि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोडक्ट को खरीदें। नेक्स्ट फिफ्थ आता है इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल, देखिए जो कंपनसेशन लेवल है उसको सुधारना। विद द एंट्री ऑफ MNC देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज सीन इन द सैलरी पैकेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज एंड मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल सर्विसेज। जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आई तो इसके कारण बहुत सारा चेंज हमें देखने को मिला है, स्पेशली सैलरी पैकेज जो हम देखते हैं आज बहुत सारे जो कंपनी में बड़े बड़े जो CEO है, मैनेजर, उनकी सैलरी लाखों में होती है, ठीक, पहले नहीं हुआ करती थी,
लेकिन आज हर एक कंपनी चाहती है कि उनका जो मैनेजर है सीईओ वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, टैलेंटेड हो, मल्टी ठीक है टैलेंटेड हो, तो इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पे सैलरी ऑफर करती है ताकि अपनी सैलरी के प्रमोशन में उन्हीं का सबसे बड़ा की रोल होता है। द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ द इंजीनियर एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैव राइजन सिग्निफिकेंटली, और इनकी जो सैलरी लगभग लगातार बढ़ती जा रही है। कंपनीज आर फॉलोइंग परफॉर्मेंस लिंक बोनस स्कीम इन इंसेंटिव फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन द बिकमिंग कॉमन, ठीक है। तो कंपनी इनको बहुत सारे बोनस स्कीम इंसेंटिव या बेटर परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी देती रहती ताकि इससे वो और ज़्यादा इंस्पायर हो और ज़्यादा अच्छा वर्क प्रोवाइड करें। कस्टमर फोकस, सिक्स आ रहा कस्टमर फोकस। देखिए द फोकस ऑफ द मार्केट इज टोटली शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। आज देखिए जो पूरा कस्टम प्रोड्यूसर से पहले क्या अक्सर होता था ना, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले ज़्यादातर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता था उसी पर वो जो बना दिया उस पर उसी को ध्यान में रखा जाता, लेकिन आज नहीं। आज सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है कस्टमर के ऊपर, कस्टमर का टेस्ट, उसकी चॉइस, सारी चीज़ें उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है। टुडे कंज्यूमर इज द कीप इन द मार्केट, ऑल कंपनीज आर कमिंग द वेरियस स्कीम टू स्टार्ट अट्रैक्ट द कस्टमर, और आज हर कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो हर संभव कोशिश करेगी ताकि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीदे। नेक्स्ट, इवन आफ्टर सेल सर्विस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटिस्फाई द कस्टमर। देखिए आज जो हम देख रहे हैं सेल सर्विस हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, कंपनी आर प्रोवाइड 24x7 मीन्स 24 घंटे 7 सप्ताह के जो 7 दिन हैं। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस थ्रू ओल्ड टोल फ्री नंबर, और आज कस्टमर के जो भी कंप्लेंट्स है वो टोल फ्री नंबर से वो रजिस्टर करती है और उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करती है। देयर इज़ अ ट्रेमेंडस डिफरेंट इन द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर टू कस्टमर टूडे। आज देखिए बहुत भयंकर बदलाव हुआ है, ट्रेमेंडस चेंज हुआ है, ठीक है। आज जो प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा बदलाव है, जो कि पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले कुछ अलग कंडीशंस था। पब्लिक रिलेशन हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन, और आज पब्लिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है किसी भी कंपनी के प्रमोशंस के लिए। ओके, नाउ कंक्लूजन देखेंगे हम यहाँ पे, निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ अ 21st century हैज़ अंडरस्टूड दैट। देखिए जो मैनेजरियल रिस्पॉन्स देखा गया है इसमें बिजनेस एनवायरमेंट में, तो 21st century में हम समझ सकते हैं कि इन टुडेज बिजनेस एनवायरमेंट बिजनेस कैन सर्वाइव एंड रिमेन इन द मार्केट ओनली बाय। देखिए यदि कोई बिजनेस मार्केट में रहना चाहता है या सर्वाइव करना चाहता है तो किस टर्म कंडीशन पर रह सकता है, फर्स्ट अपॉइंटिंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल एक्सपर्ट। तो सबसे पहले जो है अपॉइंट करो क्वालिफाइड प्रोफेशनल एक्सपर्ट को, तो ही वो मार्केट में टिक पाएगा, उसका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा जो काफ़ी हाई सैलरी लेते हैं। सेकंड, बाय अडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कीपिंग इन माइंड द ग्लोबल कंपटीशन। आज नई ठीक है टेक्निक्स यूज़ करना पड़ेगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगी माइंड में, तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। नेक्स्ट, फोर्थ, बाय बिल्डिंग अ क्रिएटिंग अ ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर। सबसे पहले आप ठीक है बिल्ड करें या क्रिएट करें जो ब्रांड इमेज इन दैट माइंड ऑफ कस्टमर, कस्टमर के माइंड में। आज कोई भी एक कंपनी का नाम लेकर ही प्रोडक्ट खरीदते हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छा था उस कंपनी का। फोर्थ, बाय अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ द कस्टमर्स एंड ऑलवेज ट्राई टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। एंड लास्ट, बाय कीपिंग देयर एम्प्लॉय सेटिस्फाई बाय पेइंग देम फेयर कंपेंसेशन। और ये भी ध्यान रखें कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर कंपेंसेशन प्रोवाइड करें, अच्छा पेमेंट करें, तो वो सेटिस्फाई होंगे, तो वो प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका बिजनेस आसानी से चल सके। ओके, नेक्स्ट डिमोनेटाइजेशन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।